खेत में बिलकते ये बच्चे, जिनकी आवाज सुनकर लोगों के मन में डर समा गया, लेकिन यह डर थोड़ी ही देर में दया और ममता में बदल गया। जब गांव के लोगों को पता चला कि यह बच्चे अपनी माँ से बिछड़ गए हैं और बच्चे अपनी माँ के लिए बिलक बिलक के रो रहे हैं, तब वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह सब देखकर लग रहा था कि किस तरह जानवर भी अपनों से बिछड़ने का गम करते हैं, बच्चे किसी के भी हो, इंसान के या जानवर के, वो तो बस मासूम बच्चे होते हैं जो अपनी मां के बिना नहीं रह सकते। लेकिन गांव में मौजूद लोग कर भी क्या सकते थे, बस दोनों बच्चों को रोता देख गमगीन हो रहे थे। तभी लोगों ने धार के वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मियों ने आकर देखा तो पता चला कि यह एक सप्ताह पहले जन्मे दोनों शावक बारिश की वजह से अपनी मां से बिछड़ गए और पानी में बहकर एक खेत में पहुंच गए हैं। भूख से ये तेंदुए के बच्चे बिलखने लगे और अपनी माँ को ढूंढने लगे, लेकिन माँ का कोई अता पता ना चल सका। तब तेंदुए के ये दोनों शावकों को रेस्क्यू कर धार वन विभाग ने इंदौर के चिड़ियाघर भिजवाया। यहाँ पर एक डॉग माँ ने तेंदुए के इन मासूम बच्चों को प्यार और दुलार देकर यह याद दिला दिया कि कोई भी माँ अपने ही नहीं दूसरों के बच्चों को भी माँ का प्यार देती है, और यह जानवरों में भी देखने को मिलता है। जान बचाने के लिए इन्हें माँ के दूध की जरूरत है। ऐसे में एक मादा स्वान डॉक्सी ने इन्हें अपनाया और अब यह डॉगी माँ इन बच्चों का लालन पोषण कर रही है। इन बच्चों के थोड़ा बड़ा होने पर इन्हें जंगल का माहौल देकर शिकार करना भी सिखाया जाएगा, और जब यह शिकार करना सीख जाएंगे तब इन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।